नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित आवास पर मंगलवार की सुबह बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची। लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को पुलिस ने नियमों का पालन करने को लेकर चेतावनी दी थी। इधर पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई है कि जाप सुप्रीमो को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पप्पू यादव के समर्थकों की ओर से ये कहा गया है कि जाप नेता को पटना स्थित उनके निजी आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाना के प्रभारी मोहम्मद कैसर आलम ने हाउस अरेस्ट किया है। हालांकि इस संबंध में पटना के आईजी ने बताया कि पप्पू यादव को पहले भी आग्रह और आगाह किया गया था, लेकिन वो हर बार नियमों को नहीं तोड़ने का भरोसा देते थे और फिर गाइडलाइंस तोड़कर निकल जाते थे। ऐसे में पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। वहीं हंगामा बढ़ते देख पुलिस उन्हें और उनके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें गांधी मैदान थाने लेकर जा रही है। इस बात की जानकारी पप्पू यादव ने खुद ट्वीट कर दी है। गौरतलब है कि पप्पू यादव बिहार में लागू लॉकडाउन के दौरान बगैर अनुमति के पूरे बिहार में सभी जगह जा रहे थे। पुलिस बार बार उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करने बोल रही थी, लेकिन वह रोज निकल रहे थे।